अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सब खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से ही है। और आप सबको रमज़ान मुबारक। आज फर्स्ट रोज़ा है और यहाँ मेरी इफ्तारी की तैयारी चल रही है। जैसे कि आपने मेरे कल के व्लॉग में देखा होगा कि अयान की बर्थडे थी और आज फर्स्ट रोज़ा है और अयान की बर्थडे है, तो बस ज़्यादा उसको कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बस इफ्तारी की पार्टी छोटी सी प्रिपेयर की हम लोग और उसके बाद केक कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैं भजिया तलने जा रही हूँ। अभी ये माश की दाल को मैंने रात भर भिगाई थी, अब मैंने इसे पीस लिया। ये फ्रूट साफ करके रखती हूँ पूरा कटिंग करके, ताकि इफ्तारी के टाइम में हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ चटनी पीसने की तैयारी भी हो रही है और यहाँ फटाफट यहाँ पीस गई है मेरी पूरी दाल, पीसे गई है यहाँ। बस अब उसमें नमक डाल के थोड़ा ज़ीरा डाल के हमें वड़े बना लेना है, उसके माश के दाल के वड़े छोटे छोटे। और ये है खोपरा काट रहे हैं और अब इसे हमें चटनी पीस लेना है माश के दाल के भजे के साथ खाने। फ्रूट तो यहाँ पूरे मेरे कटिंग हो गए हैं और ये देखिए यहाँ माश के दाल के वड़े भी मैंने तल दिए हुए एक राउंड, और बहुत सारी थी, आधा किलो दाल मैंने भिगाई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम मेरा सिर्फ भजिए तलने को ही लग गया है। और कोई भी नहीं, बस अयान के फ्रेंड्स है थोड़े बहुत, बस वो लोग में ही, और हमारे हैं कुछ आस पास के, वो लोग में ही बस ये छोटी सी बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग। तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए लास्ट तक और बताइए कमेंट करके कि आपको ये छोटा सा हमारा इफ्तार पार्टी कैसे लगी। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए यहाँ इफ्तारी का टाइम हो गया है, 6:30 बजने को आ गए हैं। यहाँ हम लोग का पूरा सब बन गया है, पूरे फ्रूट से और बड़े है, दाल बनाए हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिख रहा है। रसना बना के रखे है क्योंकि जब हम पूरा दिन भर के रोज़ा खोलते हैं तो बस पानी या रसना पिए तो अच्छा लगता है हमें। और ये देखिए पूरी प्रिपरेशन मेरी इफ्तारी हो गई है, बस अभी बच्चे आना है, अजान होना है, उसके बाद हमें रोज़ा खोलना है। और आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा फास्ट गया, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो चलिए पहले इफ्तारी कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ हमारी इफ्तारी हो गई है, बच्चे पूरे रोज़ा थे इसलिए दिन में कुछ भी कर नहीं सके। और ये देखिए यहाँ रोज़ा खोलने के बाद बस ये लोग की मस्ती स्टार्ट हो गई है, अंडे फोड़ना, आटा डालना बर्थडे बॉय पे। ये देख सकते हैं आप, अंडे और आटे की बारिश हो रही है, बस आटा ही ज़्यादा दिख रहा है। बच्चे ये थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं, दिन में तो नहीं कर पाए रमज़ान की वजह से, रोज़ा था और सब बच्चे रोज़े थे, आँख में या मुँह में चले जाएगा इसलिए जब मस्ती नहीं कर रहे थे। बस यहाँ इफ्तारी करके नमाज पढ़ के आती है, यहाँ मस्ती स्टार्ट हो गई है। ये देखिए चलिए मैं वहाँ बिरयानी की मेरी तैयारी कर रही हूँ, यहाँ बच्चे थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं। केक आ गया है हमारा, कौन है? Thank you.
एक नहीं उड़ाना है। अभी मैं केक के पीस कट करके पूरे बच्चों को दे रही हूँ। ये है केक और यहाँ खारा डाल के सर्व कर रहे हैं हम पूरे बच्चों को। ऐसे तो भूख किसी को भी ज़्यादा नहीं लगी थी क्योंकि इफ्तार करने के बाद कुछ खाया नहीं जाता क्योंकि पानी पी पी के हमारा पेट भरे जाता है। पर क्या करें, आयान का बर्थडे उसी दिन आ गया है तो चलिए जो आया उसी दिन अगर बर्थडे करें तो अच्छा लगता है। बर्थडे बॉय को भी ज़रा स्पेशल फील होता है। तो बस यहाँ मैं पूरे बच्चों को हम लोग मिलके यहाँ केक कटिंग करके खारा दे रहे हैं। उसके बाद खाना पीना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले केक ही कटिंग करते हैं, खाना तो लास्ट में ही खाते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया है आज का बर्थडे। और आपने देखे होंगे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मस्ती करे। और बस बच्चे अगर मस्ती करें तो ही बस हमारी मेहनत पूरी सफल हो गई हमें लगता है। बस बच्चे खुश हो जाना। छोटे से वीडियो में आपको मैंने बताई हूँ कि हमारी इफ्तार पार्टी भी कैसे हुई, बर्थडे फर्स्ट रोज़ा कैसे गया, वो आपके साथ बता रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर करी मैंने ये वीडियो। बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी और गर्मी बढ़ते जा रही है, कम होने का गर्मी का नाम ही नहीं ले रही है।
तो देखते हैं, पर अल्लाह ताला हम सबको सबर अता फरमाइए और पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाइए। बस यही दुआ है हमारी आप सब के लिए भी, हमारे लिए भी। क्या अभी कितने जने चलो खारा तो हमने दे दिए, बस अब कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे, थम्स अप लाए थे, रसना तो हम लोग इफ्तार पार्टी में ही पी लिए थे शाम में ही, तो ये हमारा भी हमने यहाँ निकाल दिए हैं। बस बच्चों को अब कोल्ड ड्रिंक सर्व करना है, उसके बाद देखेंगे थोड़ी बहुत मस्ती फिर होगी। अब तक बर्थडे बॉय को गिफ्ट देना बाकी, हम लोग ने सिर्फ डायरेक्ट खा बच्चे लोग को केक दे के स्टार्ट करें, और अब बर्थडे बॉय शायद गिफ्ट का वेट कर रहे होंगे, तो बस अब ये देखे ये पूरा करने के बाद हम उनको गिफ्ट देंगे। यहाँ ग्लास देख सकते हैं, बहुत ही जल्दबाजी हो रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिन की बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई थी, फर्स्ट रोज़ा था। हेलो नजी, देखिए यहाँ बच्चों की मस्ती। कुछ भी नहीं है, ग्लास आप पैक करके दे रहे हो। इधर देखो जी, आप इधर खोजना नहीं है क्या है? ओ कैरम बोर्ड हटा दो, कैरम बोर्ड हटा, बॉल भी है तो अपना टेनिस दो, टेनिस बॉल है ये सलमान क्रिकेटर, ये टेनिस बॉल है, एक स्टंप और एक टेनिस, ये बॉल ठीक है ना, तीनों पे छोड़ डालना हां सबके, इस चैलेंज का टाइम बता दो वाला। और बार यार छोड़ो ये
बोला था मैं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं छोटा अरमान का खोल दो टीम बॉक्स है दोनों हल्लू आलू काट का टूट गया हल्लू को हल्लू आलू काट का है पूरा था बहुत महंगा वो डब्बे बॉक्स नहीं थे हम लोग कितने लगाना अपने मुंह से दूर रखो जरा उसमें शब्बीर का फैसल का अरमान का क्या बात है कल स्कूल में दे दो आज तुम लोग को अरमान जाता ना कल अरमान को तो है ना अभी दे दो घर में मगर गिफ्ट कैसा लगा वो बोलो खाली कैसा लगा गिफ्ट का गिफ्ट 3 लाख रुपए का गिफ्ट है वो एक दो तीन कितनी मेहनत की ना 1 लाख 2 लाख 3 लाख आंटी का बोला है चलिए पूरा हो गया गिफ्ट भी दे दिए हम लोग की ओपनिंग भी हो गई तो जी हाँ खाना सर्व कर रहे हैं हम और मैंने बनाई थी चिकन की दम बिरयानी और दही का रायता बस अभी मैं फटाफट खाना निकाल लेती हूँ बच्चों को क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है फिर सुबह सहरी को भी उठना रहता है बच्चों को फिर घरों पे जाना है अपने अपने तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक देना मत भूलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वीडियो बनाना एडिटिंग करना पर आपको बस 1 सेकेंड लगता है एक लाइक देने के लिए तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके ही जाइएगा और आपके फ्रेंड सर्कल फैमिली सर्कल में प्लीज़ हमारी चैनल की लिंक शेयर कीजिए तो चलिए अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखते और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़ बाय।